तो भाई जहाँ पे रुके हुए हैं यहाँ का एल्टीट्यूड लेवल है 14,800 फीट, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं हम ग्राउंड लेवल से, तो 14,800 फीट की ऊंचाई पे हैं, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हमें। तो ये सीन है, ये जो गियर है, गियर हमने निकाल दिया है, ये पूरा बाहर आ चुका है, तो इसको उधर फंसाना है। हमने कल इस साइड से खोल दिया था, अब हमें उस साइड से खोलना पड़ेगा, और ये सारे नट ढीले हैं, इनको टाइट करना पड़ेगा, और जहाँ पे मैकेनिक मिले वहाँ जाके एम सील लगवानी पड़ेगी। बस ये सीन है, बस सूरज बता रहा है। हाँ, फाइनली गाड़ी हमारी ठीक हो चुकी है, हमने बहुत मेहनत की, रात से बहुत परेशान थे, पर अब ठीक हो चुकी है। ये सारे टूल्स भाई काम आए हैं और गाड़ी ओके हो चुकी है। ये टाइट नहीं हुआ है अभी इंजन ऑयल का, इसको टाइट करना है और चेक करना है कहीं से पैकिंग लगाई नहीं है, सिर्फ नट बोल्ट टाइट किए हैं। इंजन ऑयल बहुत है गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी मनाली से पहले कहीं पे भी मिलेगा, एक बार टॉप अप कर देंगे आधा आधा लीटर और देन गो। रूम है पूरा, दो बेड लगे हुए हैं, एक इधर, सारा सामान फैला हुआ है, और कुछ ऐसा व्यू है हमारे रूम से जबरदस्त। सामने बर्फ ही बर्फ है पहाड़ों पे, जो कल रात को गिरी है, और अब निकलेंगे। सब कुछ ठीक हो गया है, गाड़ी सही हो गई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो दिल्ली भी जाके हो सकती है, तो चलो मिलते हैं आगे के सफर में। तो भाई ये वो रेस्टोरेंट है इनका, और इनके हमने स्टे किया था, सोकर इको रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट हाथों में। तो यहाँ से इनका अंदर का एंट्रेंस का है, और ये है रेस्टोरेंट, इनका गेट यहाँ से भी है, और ये देखो ये क्या पड़ा हुआ है इधर, स्कल है और सिंह है, ये हर जगह आपको देखने को मिलेंगे जगह जगह, जैसे मैंने पहले एक दिखाया आपको। और ये कुछ लद्दाखी बर्ड्स और जो जो चीज़ें हैं सब हैं इसमें। और वो जो सिंह पड़ा हुआ है जो आपने देखा, वो इसका है, इस वाले का तिबेतन अर्गली नियान का सिंह है वो। तो भाई ये है रेस्टोरेंट, एक सिंह यहाँ पे भी रखा हुआ है, देख सकते हैं आप कितना। ओ भाई बहुत, इसमें तो बहुत वेट है यार, बहुत बहुत ज़्यादा वेट है यार, इसमें उठ नहीं रहा है, मतलब होगा 15 किलो वेट होगा इसमें, 15 से 20 किलो बहुत वेट है यार इसमें, ऐसा देखने से लग रहा है बस हल्का सा होगा। तो चलो ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं, बस चले भाई। चलो भाई जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, दिल्ली आओ जब भी फोन करना भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई गाड़ी की थोड़ी आवाज चेंज हो गई है, बाय दीदी। तो भाई सब कुछ हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी चल रही है, गियर लग रहे हैं, तो जब इतना कर लिया है तो दिल्ली भी पहुंचा ही देंगे, ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो सीन कुछ ऐसा है, ऊपर क्या है बर्फ गिरी है बहुत, तो थोड़ा ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो चलो सरचू पहुंचने की प्लानिंग है आज यहाँ से हैं, तो देखते हैं हम सरचू तक पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। यह अभी हम जहाँ पे रुके थे, इस जगह का नाम है सोकर, टी सोकर, टी साइलेंट होता है, टी बोलते नहीं है, सोकर ही बोलते हैं, सोकर। तो सोकर से अब हम निकल चुके हैं, इधर भी मान लगे हुए हैं, इधर सोकर में ग्राम पंचायत का वाईफाई लगा हुआ है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी नेटवर्क कोई से भी कंपनी के नेटवर्क नहीं है, सिर्फ वाईफाई चलता है यहाँ पे, मोबाइल नेटवर्क कोई से भी कंपनी के नहीं है। भाई इस जगह से 3-4 जगह रास्ते कट रहे हैं, पता नहीं हमें कौन से रास्ते पे जाना है। ओह तो इस वीरान में एक ही है घर जैसा बना हुआ है, आर्मी का है, पता नहीं किसका है।
हर रास्ता भटक गए हैं। ये एक जगह एक भाई दिखा है, फौजी भाई, तो फौजी तो नहीं है। भाई जी बाहर कहाँ से निकले? मनाली। कहाँ से निकलो? अच्छा उधर से उधर जाना था। ओके ओके ओके, थैंक यू ब्रदर। लुक एट द व्यू यार, ऑसम। तो भाई रोड का कुछ अता पता है नहीं, तो बस तुक्के में चल रही है गाड़ी, और पेट्रोल भी जितना था सारा डाल चुके हैं गाड़ी में। मतलब अभी है पेट्रोल 150 किलोमीटर चलने लायक, मगर पहले ये यहाँ से तो निकले। तो कोई रास्ता नहीं है भाई, टायरों के निशान तो हैं, मगर ये पूरी रेत रेत है, बाइक फंस सकती है इधर मेरी। दोस्तों काफ़ी देर ऐसी रेत में गाड़ी चलाते हुए हो गया, अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो रेत में गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, टू व्हीलर फोर व्हीलर तो निकल जाता है। ये एक कच्चा रास्ता मिला है, अब इसी को पकड़ के जा रहे हैं, देखो कहाँ निकालता है ये। ये बाइक फंस गई है रेत में, रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ निकलना है कैसे निकलना है कुछ भी नहीं समझ आ रहा। चलो सर निकालो, दिस वे। तो भाई बाइक फंस चुकी है, किधर काटूं सूरज पहले बता। इधर तक चढ़वानी है, इधर से किनारे से निकल जाइए। तो भाई निकल गई, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कल रात के लिए। तो भाई यही वो ट्रक वाले अंकल थे जिन्होंने कल हमारी मदद करवाई थी, वो इंजन खोला था, मगर वो गलत साइड से खोल दिया था हमने। तो अभी वो फिर मिल गए, फिर उन्होंने दोबारा हेल्प की रास्ता बताया क्योंकि भटक गए थे, तो अब उन्होंने बिल्कुल अच्छा रास्ता बता दिया। अब हमें ये ऑफ रोडिंग सिर्फ 5-6 किलोमीटर तक करनी है, उसके बाद अच्छा रास्ता आ जाएगा, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5-6 किलोमीटर तो ऐसे लगते हैं कुछ है ही नहीं। फाइनली साफ रोड नज़र आया है, मगर यहाँ से होगा 1-1.5 किलोमीटर दूर सामने। तो भाई आराम आराम से जा रहे हैं, बगैर किसी
अंदाजे की गाड़ी चला के यहाँ तक लाए हैं, तो बस अब निकल जाएंगे लग रहा है। अच्छा रोड मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो हमने ये रास्ता तय किया है ना, ये वाला रास्ता रास्ता ही नहीं था यार, कुछ था ही नहीं समझ लो। तो भाई अभी गिरते गिरते बच गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप हल्का सा भी काम करोगे, सांस ऐसे फूलेगी आपकी जैसे आप कई किलोमीटर भाग के आए हो। इतना एडवेंचर अपनी लाइफ में कभी नहीं किया, तो भाई मज़ा आ गया है। लद्दाख है भाई, लद्दाख। ओहो अभी बाइक फिसली थी। जिन्होंने इन रोड पर राइड कर ली ना, वो दुनिया में कहीं पे भी राइड कर सकता है भाई। अभी जो हम रोड पार करके आए हैं ना, बहुत ज़बरदस्त थे भाई, मतलब थे ही नहीं जबरदस्त, क्या थे, रोड ही नहीं थे, सिर्फ अंदाजे में चल रही थी गाड़ियाँ। तो दोस्तों फाइनली ख़त्म हो गया स्ट्रगल वाला वक्त, और अच्छा रोड आ गया है फाइनली। ये ऐसा रोड देख के अब इतनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि बिगड़ रोड के गाड़ी चला रहे थे यार इतनी देर से, और क्या रोड आया है भाई, हाथ वाथ सब दर्द हो गए, पूरी कलाई वलाई सब दर्द हो रही है, और क्या मजा आ रहा है भाई रोड देख के। हाँ लेवन 36 उपसी 85। मगर लद्दाख में ऐसे एरिया में दोनों सोकर लीड खराब होने के बाद, बैटरी डेड होने के बाद बाइक की, और गियर उतरने के बाद, मतलब गियर बक्सा पूरा खोलने के बाद, तो अब इतने एक्सपीरियंस हो गया है बाइक के बारे में, बाइक रिपेयर करने का, कि आगे मैं कर सकता हूँ राइड लंबी लंबी, ये प्रॉब्लम है मैं खुद भी ठीक कर सकता हूँ। सुब्रमण्यम जी से मिला मैं फर्स्ट दिन पठानकोट में, जब फर्स्ट दिन निकला था दिल्ली से, तो जब से वो हमारे साथ है अब उनसे कुछ अटैचमेंट सी हो गई है, अपने जैसा कुछ रिश्ता सा बन गया है उनसे, तो बहुत अच्छा हमारा ट्रिप रहा है, सबने एक दूसरे की हर जगह मदद की है, थोड़ी सी बातें भी हुई, लड़ाई भी हुई आपस में, मगर अब सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब ट्रिप के एंड तक हैं हम, अभी भी लद्दाख में है, मगर बहुत जल्दी हम मनाली होते हुए दिल्ली निकल जाएंगे। और ये जो समय था बहुत अच्छा भी था भाई, हमने रेत का तूफान देख लिया, स्नोफॉल देख ली, वाटर क्रॉसिंग देख ली, वाटर क्रॉसिंग में गिर गए, और बिल्कुल ऐसे एरिया देख लिए जहाँ पे लोग ही नहीं थे और हम अकेले राइड कर रहे थे, और रोड भी नहीं थे, सिर्फ अंदाजे से राइड कर रहे थे। तो ये जो पूरी स्टोरी है यार बहुत अलग हो गई, रोना आ गया है मेरे को, क्योंकि अब मैं लद्दाख से आज बाहर निकल जाऊँगा। तो बहुत अच्छा ट्रिप रहा, सुब्रमण्यम सर, सूरज, रवि, हम सब ने एक दूसरे का साथ देते हुए ये ट्रिप पूरा किया, और बहुत अच्छे से किया। हम ऐसी ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे लोग जाते नहीं हैं, बहुत कम लोग उस रूट से ट्रैवल करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। गाड़ी ख़राब हुई, गाड़ी ठीक की, लोगों की गाड़ियाँ ठीक की, तो बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में। ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड, और ये हिल्स, ओहो ऑसम है यार, ऑसम। थोड़ा सा खतरनाक रास्ता स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल आराम से राइड करना पड़ेगा इधर,
क्योंकि लेफ्ट साइड में बहुत गहरी खाई है, तो रोड तो अच्छा है मगर खाई इतनी गहरी है ना, बहुत जबरदस्त गहरी है भाई। तो पांग नीचे मेरे को दिख रहा है, तो हम पांग रुक जाएंगे, टी ब्रेक वगैरह लेंगे और 5 किलोमीटर यहाँ से पांग और ये रहा नीचे पांग। तो बिल्कुल धीरे धीरे उतारनी पड़ेगी गाड़ी, कोई भी गलती नहीं। तो पांग एक छोटी सी जगह है ये पांग, और मैं पहुंच गया हूँ पांग। पियेंगे एक कप चाय, चलेंगे फिर आगे के सफर पे। तो दोस्तों आप अगर मनाली साइड से आ रहे हैं तो आप पांग में अपना डिनर ब्रेकफास्ट जो भी करना है वो यहाँ से करके आगे जाए, पानी वानी जो भी ले रहा है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको 100-150 किलोमीटर तक, नहीं 150 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, 150-180 किलोमीटर तक। तो आप यहीं से ख़रीद लें जो भी आपको ख़रीदना है पांग से, क्योंकि आगे कुछ नहीं है और इधर थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप पहले से कैरी कर सकते हो तो कर लें। और पांग है 15,280 फीट की ऊंचाई पर ग्राउंड लेवल से, पीछे माइलस्टोन था, तो इस चीज़ का याद रखें। और पेट्रोल एक्स्ट्रा कैरी करें, यहाँ पे 150 रुपीज़ लीटर है पेट्रोल, सरचू यहाँ से 75 है, और जो जाने में हमें कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे क्योंकि रास्ता ख़राब है। तो भाई जब आप लद्दाख आओगे ना, आपको हर जगह अलग अलग पहाड़ियाँ ही नज़र आएंगी, हर जगह पहाड़ियाँ चेंज हो जाती हैं, जो हिल्स होते हैं उनका कलर, और कई कई जगह रेत के हैं, कई जगह मट्टी है, कई जगह पत्थर है, कई जगह लाल पत्थर के पहाड़ हैं, कई जगह ऑरेंज के हैं, तो ऐसे अलग अलग हैं। और यहाँ के देख लो कैसे हैं, बिल्कुल ही अलग। रास्ता बहुत ख़राब है मगर इससे ज़्यादा ख़राब रास्ते से आए हैं हम, तो ये फिर भी सही है। किला 15,547 फीट एल्टीट्यूड, बड़ा खतरनाक रास्ता है। मैंने पीछे देखा एक ट्रक गिर गया खाई में, और शायद वो रिसेंटली गिरा हुआ होगा क्योंकि उसके अंदर अभी भी सामान वामान पड़ा हुआ है। तो भाई बहुत केयरफुल इन रास्तों पे गाड़ी चलाना, हल्का सा भी बैलेंस बिगड़ा आप खाई में जाओगे सीधा। ये सरचू वाला रास्ता है, ये थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि कोई डिवाइडर नहीं है इधर, कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा खतरनाक है यार। तो भाई ऊपर हो रहे हैं बादल, जल्दी से कोई ठिकाना देखना होगा सोने वाला, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो भाई ठिकाना ढूंढना पड़ेगा जल्दी सोने का। इस रोड का काम चल रहा है, कुछ टाइम में ये बन जाएगा। ये और ज़्यादा बेकार रास्ता आया है, थोड़ा धूल ही धूल उड़ रही है और कुछ नहीं उड़ रहा है यहाँ। जगह राइड कर ली भाई, पानी रेत मट्टी पहाड़ गड्ढे बिगड़ रास्ते। तो दोस्तों आज का आशियाना ये है अपना साल्टन, जो 3 का है, और व्यू पीछे कुछ ऐसा है। आज हम यहाँ रुकने वाले हैं और यहाँ खाएंगे हम खाना, ये दीदी का साल्टन है वो। दीदी खाना